चंचल ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं खरसिया बैंक, है ना। इसके पापा और मैं, बाबू, तीनों जने हैं बाइक में और जा रहे हैं खरसिया बैंक। जा रहे हैं हम लोग पैसा निकालने के लिए, देखते हैं अब कितना निकलता है। तो एटीएम से तो नहीं निकल रहा है, ये देखिए एटीएम हम लोग आ गए हैं यहाँ पर निकाल। मैं बोली इसे पापा को, एटीएम से नहीं पता मुझे कैसे निकालते हैं, मुझे भी सिखा दो बोली। तो यहाँ पर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना कह के, तो आ गया मुझे निकालना और कैसे निकालते हैं उसको। ये देखिए एटीएम में हूँ मैं, यहाँ पर कैमरा भी लगा है, वीडियो करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर कोई नहीं थे तो मैं थोड़ा सा कर ली हूँ ब्लॉग। और उधर से हम लोग पैसा निकाल ली हूँ मैं 10,000। और इधर अब बैंक जा रही हूँ, बैंक में अब ज़्यादा पैसा निकालूँगी, एटीएम से तो नहीं निकलता है ना, 10,000 के बाद एक ही बार निकलता है 10,000। और यहाँ पर आ गए हैं SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है। अभी बैंक खुला नहीं है, यहाँ बाहर में उसे पापा कर रहे हैं एंट्री खाता को। तो यहाँ पर मैं ले रही थी वीडियो और बाबू यहाँ पर गेट में खड़ा हुआ है, कब खुलेगा तो हम लोग अंदर जाएंगे बोल के। ये देखिए यहाँ पर मेरे खाता को इसके पापा एंट्री कर रहे हैं। ये ना स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने अच्छा सुविधा दिया है, बाहर में एंट्री भी एंट्री हो जाता है और अंदर में करवाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जाओ, पैसा निकालो और ले आओ उधर बाहर और अपना काम करो, है ना, वैसे ही होता है। और अच्छा है ये वाला बैंक कि बाहर में सुविधा दे दिया है। और ये देखिए हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं लेने के लिए, इधर पैसा वगैरह निकाल लिए हैं और यहाँ पर देखने के लिए मतलब मैं तो देख ली थी, सभी देख लिए थे, बस वाश वगैरह करवाना था। सेकेंड हैंड गाड़ी है ये, हम लोग का वेगन आर है नाम इसका, मॉडल पुराना है, 4-5 साल पुराना है। ये देखिए नंबर है इसका ये, और आगे से ऐसी दिखता है, रेड कत्था कलर का है ये गाड़ी। और हम लोग चढ़ गए हैं, देखिए हम लोग अब जा रहे हैं घर। इस पीछे का सीट है ये देखिए, इसको कवर को चेंज करवाना पड़ेगा हम लोग को, अभी नहीं करवाएंगे बाद में करवाएंगे, कहीं जाएंगे बुकिंग वगैरह मिलेगा अच्छा से तो। फिलहाल तो इस साल अभी ऐसी होगा। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ इसको पूजा कर रही हूँ गाड़ी को, बजरंग बली मंदिर से करवा कर ले आए हैं। और मैं यहाँ पर अपने घर में कर रही हूँ, देखिए अंधेरा है ना, रात हो गए, 8 बज गया था रात को, तो अच्छे से नहीं दिख रहा है वीडियो, अंधेरा अंधेरा छाया। हेलो, नमस्ते, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोग से बताने वाली थी कुछ, है ना, बोल रही थी पिछले वीडियो में बताई थी आप लोग को कि 2-3 दिन बाद मैं आप लोग को बताऊंगी क्या चीज़ है, तो क्या लेने वाले हैं उसको। तो आज वो टाइम आ गया हम लोग का कि क्या लेने वाले हैं, तो क्या लेने वाले थे अब ले लिए हैं हम लोग। तो मैं बता दूँ 2-3 दिन से इसलिए बिजी थी मैं, क्योंकि बैंक इधर बैंक आना जाना हो रहा था, 2 दिन से काम नहीं हो रही थी मेरी, है ना। तो आज हो गया मेरा काम, पैसा भी निकल गया जितना भी निकालना चाहती थी उतना, और हम लोग का सामान भी आ गया। क्या चीज़ लिए हैं उसको मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग गाड़ी लिए हैं बुकिंग चलाने के लिए, मेरे हस्बैंड किसी का दूसरे का चलाते हैं ना, तो छुट्टी नहीं मिल पाता है कहीं कहीं जाने के लिए हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग ले लिए हैं खुद का गाड़ी ले लिए हैं। ये वेगन आर है ना, मॉडल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 4-5 साल पुराना है, तो हम लोग ले लिए हैं। और उसी के चक्कर में आज ना मैं ठीक से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, अभी अभी रात को बना रही हूँ मैं ब्लॉग, आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब मैं इतने दिन से बिजी उसी में थी, हम लोग गाड़ी लेने के चक्कर में ना ठीक से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, बहुत काम थी ना, बैंक का काम जानती तो आप लोग क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या नहीं। और मेरा कुछ मिस्टेक भी हो गई थी, 2-3 साल से बैंक नहीं जा रही थी मैं, मोबाइल से ही मतलब लेन देन हो रहा था, गूगल पे से, ATM से, तो नहीं जा रहे थे हम लोग, तो ज़्यादा पैसा निकालना था ना, इसीलिए बैंक जाना पड़ा हम लोग को। तो सुबह से 10 बजे गए मैं ना, दोपहर को काम हुआ हम लोग का बैंक का, इधर उधर ऊपर नीचे हो रही थी मैं, बस
मैडम लोग बोल रहे थे कि उसके पास जाओ, उस मैडम के पास जाओ, साइन करो के आओ, सिग्नेचर करो के आओ, पास करो के आओ बोल रहे थे। ऐसी करते करते दो बज गया दोपहर का, और दोपहर का दो बजने के बाद हम लोग बाहर निकले, लंच मतलब चाट वगैरह खा लिए, मैं उसके पापा बाबू तीनों खा लिए। और खाने के बाद होली का सामान लेने के लिए लग गए हम लोग घर, और टाइम हो गया है ना, सामान लिए गाड़ी, और फिर पैसा मतलब जो गाड़ी ली है ना वेगनर, उसको पेड करने के लिए हम लोग चले गए मालिक के पास, पैसा दे दिए, फिर गाड़ी को वहाँ से ले आए हम लोग। और गाड़ी को लेने के बाद होली के सामान लेंगे, तो मतलब होली के सामान लेने के बाद हम लोग बोले कि पूजा कराना भी जरूरी है तो चंद्रपुर जाएंगे। बोले तो ऐसे पापा बोले शाम भी तो हो गया तो अभी कहाँ जा पाएंगे, अब दूर भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ से 40 किलोमीटर है दूर, तो अभी नहीं जाएंगे, कभी अच्छे से टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे चंद्रपुर, आज नहीं जाएंगे, आज थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा, और गांव में करवा लेंगे बजरंग बली का जो मंदिर है ना उसी से हम लोग करवा लेंगे, और घर में भी तो कर लेना बोले, और मैं घर निकल ली हूँ पूजा, और बजरंग बली में भी करवा ली हूँ पूजा उसका गाड़ी का। और गाड़ी के लिए देखिए हम लोग क्या लिए हैं, बजरंग बली का मूर्ति है, छोटा सा क्यूट सा है, देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है मूर्ति आप लोग को। और गाड़ी का गाड़ी लिए हैं उस खुशी में, आज हम मिठाई मोतीचूर के लड्डू लाए हैं, आप लोग को मैं शेयर करती हूँ, प्लीज़ ये लीजिए खा लीजिए, आप लोग भी मीठा कर लीजिए मेरी तरफ से है ना। और बुकिंग चलाने के लिए हम लोग इस गाड़ी को लिए हुए हैं, इसके पापा चलाएँगे बुकिंग है ना, दूसरे का चला रहे थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था कहीं कहीं जाने के लिए, मतलब रिश्तेदार बोलते थे कि आप लोग कुछ भी फंक्शन नहीं आ पाते होते तो, क्योंकि नहीं जा पाते थे क्योंकि इसके पापा को छुट्टी नहीं मिलता था, और मैं इसके बिना कैसे जाती है ना, नहीं गई मैं और नहीं जाती थी, तो आप जा पाएंगे, आप खुद का गाड़ी हो गया है तो कोई भी कुछ भी करेंगे इन्वाइट वगैरह कुछ में भी, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे अब क्योंकि खुद का गाड़ी हो गया है इसके, तो आप लोग को मैं बताने के लिए बहुत उत्सुक थी कि चलिए उन लोग को जल्दी भी बता देती हूँ, मैं उन लोग को भी बोली हूँ 2-3 दिन बाद तो कहूँ कि क्या लेने वाले हैं उसको बोल के, तो वही इसी के लिए मैं मतलब बोल रही थी 2-3 दिन पहले कि बताऊँगी आप लोग को बाद में बोल के, तो हम लोग गाड़ी लिए हुए हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, कपड़ा सिलने का एक मशीन लेना है मुझे, क्योंकि ना मुझे तो सीख चलाना आता है, ब्लाउज भी सिल लेती हूँ मैं, शादी पहले सिलती थी मैं घर में वहाँ, और यहाँ नहीं है मशीन तो कहाँ से, और इसे पापा को मैं बोली कि मेरे लिए मशीन लेते मैं एक मैं कपड़ा सिलूँगी खुद को, ब्लाउज भी सिलूँगी और बाहर का भी मैं सिलूँगी बोली, तो ठीक है बोले 1 महीने के बाद ले दूँगा बोले, तो अपना 1 महीने के बाद जब पैसा हो गया तब लूँगी मैं मशीन कपड़ा सिलने का, अपना ब्लाउज खुद से सिलूँगी मैं, और दूसरे के पास देते हैं ना तो कभी बिगड़ भी जाता है, और पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक ब्लाउज का 200 रुपये 250 रुपये ले लेते हैं, तो इसी चक्कर में मैं भी ना अब साड़ी जितना है उतना तो अभी पहन रही हूँ, और जिसका ब्लाउज नहीं है उसको तो अभी रखी हुई हूँ, जब मैं मशीन लूँगी ना तो गर्मी छुट्टी में मशीन अच्छे से सीख लूँगी, और मैं और ब्लाउज भी अपना सिलूँगी मैं, बहुत सारा साड़ी है 10-12 साड़ी है बाबू की छठी में मतलब लाए हुए थे, सभी रिश्तेदार साड़ी लाए थे मेरे लिए, तो सारा साड़ी पड़ा हुआ है उसी को मैं ना मशीन लेने के बाद सिलूँगी, गर्मी छुट्टी में ना अच्छे से सीखूँगी मैं, मेरी बहन के पास जाऊँगी वहीं सीख कराऊँगी मैं अपने मायके में। और आप लोग को और क्या बताऊँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताना हम लोग को गाड़ी आप लोग को कैसा लगा है ना, अगर आप लोग भी कहीं जाना चाहोगे तो हम लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करना बुकिंग के लिए, ले जाएंगे आप लोग को है ना, एड्रेस भी देना आप लोग का अगर कहीं जाना चाहते हो तो बताना हम लोग को, और उसी के लिए हम लोग मिले हैं, भगवान करे कि हम लोग को आगे बढ़ाए बजरंग बली, और जो सोच रहे हैं वो सही हो जाए। मैं हम लोग कितने दिन से सोच रहे थे कि एक खुद का गाड़ी होता तो अच्छा होता, मतलब जहाँ मन लगे वहाँ चले जाएंगे बोल के, तो आज वो सपना हम लोग का पूरा ही हो गया, और मेरी और कुछ ख्वाहिश नहीं है, बस हम लोग का अच्छे से काम वगैरह चले, और मेरे हस्बैंड अच्छे से मतलब काम करे अपना मन लगा कर,
अभी तो फिलहाल बुकिंग मिल गया है 2-3 दिन से पहले। मतलब मोहल्ले वाले बोले थे कि कहीं जाना है कहाँ पे, तो गाड़ी नहीं आया हुआ था। उसके बाद भी मतलब बोले, उसके पहले से ही मतलब इसके पापा बोले थे इसके दोस्त वगैरह को कि हम लोग ले रहे हैं वो के, उन लोग बोले थे कि कहीं कहीं घूमने जाएंगे, बुकिंग 31 मार्च को जाएंगे। उन लोग पहले से बुकिंग मिल गया है दो, एक उन लोग भैया लोग जाएंगे पड़ोसी के, और एक ना पड़ोसी के गांव है, पड़ोस में गांव है क्या ना भाटा बोलते हैं, वहीं से बुकिंग आया है, वहाँ से लेकर जाएंगे इसके पापा। और जिस दिन बुकिंग रहेगा ना उसी दिन जाएंगे, और बाकी अपना दूसरा काम कर करेंगे। मिल भी कर रहे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं उधर, अभी 1 माह तक कंप्लीट करेंगे ताकि पेमेंट मिल जाए उसका 1 माह का, और फिर इसके बाद कहीं नहीं चलाएंगे, घर का ही गाड़ी चलाएंगे इसके पापा। क्या है ना, घर में रहता है गाड़ी तो मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं, कितना टाइम भी मतलब बुकिंग वगैरह आ गए तो आए तो चला जाएगा है ना। भगवान से मैं विनती करती हूँ कि हम लोग की मतलब कोशिश हमेशा कामयाब रहे, और जो सोच रहे हो हमेशा हो जाए। इसी दिन की मुझे मतलब इंतज़ार थी कि कब हम लोग गाड़ी आए, तो फाइनली हम लोग का गाड़ी आ ही गया, और कलर भी मुझे अच्छी लगी उसका, और हर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा। वही गाड़ी का ना कागजात रेडी नहीं हुआ है, मेरे नाम से होने वाला है गाड़ी भी है ना, मेरे नाम से करवा रहे हैं उसके पापा अपने, उसके नाम से तो बाइक है तो मेरे नाम से कर रहे हैं, उससे फोर व्हीलर को कर रहे हैं, और कभी भगवान चाहेगी तो 2-3 साल बाद स्कूटी भी लेंगे हम लोग मेरे लिए, क्योंकि स्कूटी रहता है तो कहीं भी आ जा सकती हूँ मैं, इसके पापा नहीं रहेंगे उसके बाद भी है ना, और बाबू भी बड़ा होगा तो इसको मतलब स्कूल भी लेकर जाना पड़ेगा। पता नहीं गांव में मतलब इसको भर्ती करेंगे कि खसिया में, बाहर करना पड़ेगा तो फिर मुझे ही छोड़ना इसको पड़ेगा, और यहाँ गांव में करेंगे ना तो नहीं लगेगा, पैदल ही मैं जाती हूँ इसको, तो पैदल ही जाऊँगी मेरे साथ लेकर इसको। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसको यहीं पर रखूँगी 5 साल तक, गाँव में ही 8 क्लास तक है इंग्लिश मीडियम, और सरकारी भी 12 तक है, तो देखती हूँ अब क्या होता है, तो जैसे पापा क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर आज ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर रखती हूँ, बाय, आप लोग को गुड नाइट।